हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 29 अक्टूबर के डेट में जो UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है। तो मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है, ये जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण से क्या आशय। उदारीकरण ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार रिपीट किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा जा चुका है। इसमें देखिए, व्यवसाय और उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों और नियंत्रणों को कम करने को उदारीकरण कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडियाज इज फॉर सेल, ये पुस्तक का नाम है और ये चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए, और सिर्फ PDF से ही संबंधित बात करें हमसे, और जिसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, इसके बाद ही आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो ऊर्जा रूपांतरण द्वारा किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो वो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में आपका ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो इस तरह से ये हुआ। आप लोग साथ ही साथ लाइक भी करते चलें, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे वीडियो को मिलता है, प्रमोशन होता है। और अगला क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से लगने वाली आग, जैसे पेट्रोल से लग गई हो तो उसमें कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो वो झाग वाला होता है, झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए झाग वाला आपका हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया था। तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, वो मेंडेलीफ ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वो है, सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो है वो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार ही आपका सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट से बताना है कि एक पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट एक पुस्तिका है जो सभी देशों की राष्ट्रीयता के देश से प्रस्थान सक्रिय करने के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें देखिए नागरिकता और एक अन्य देश की यात्रा, अधिकांश देशों में अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादित पासपोर्ट है, मतलब कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पुस्तिका है जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एक आइडेंटिटी होता है, एक पासपोर्ट होता है, उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो इसे पासपोर्ट कहते हैं। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, भारत एक गणतंत्र है, इससे आप क्या समझते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और ये आपका जो है गणतंत्र की परिभाषा हो गया है। और इसमें देखिए इसके बाद जो पूछा गया है वो, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। तो पीयूष गोयल जी हैं केंद्रीय रेल मंत्री। इसके बाद पूछा गया अगला क्वेश्चन हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो बिहार के मुख्यमंत्री इस समय नीतीश कुमार हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो ये बताना है आपको। तो प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, गन्ना है। और आप लोग लाइक और कमेंट भी करते जाइए साथ में साथ,
और इसके बाद देखिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना? तो वो है लखनऊ में। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ था? तो किशोरी शक्ति का शुभारंभ हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये 77.3% है पुरुष साक्षरता दर। इसके बाद पूछा गया, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, क्या कार्य करते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस जो होता है वो डाटा को देखने का और प्रिंट करने का काम करती है। इसके बाद देखिए, डाटा किस रूप में हो सकता है? तो डाटा लिखित व अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। और इसके बाद देखिए, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? 0 से 9 तक की न्यूमेरिक की कहलाती है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? तो कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैथ से, 100 का 5 कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सॉल्व करके कि 100 का 5 कितना प्रतिशत होगा। तो ये सॉल्व करके आप बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, शेयर की आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।